हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बेटा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट टिश्यूज यस्टरडे एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट टिश्यूज। राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में मैंने आपको फ्लो चार्ट कराया था। फ्लो चार्ट आप ओपन करके बैठ जाइए। तो एनिमल टिश्यू में जब आप फ्लो चार्ट ओपन करेंगे बेटा, तो आपको आएगा सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यूज। सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू था, ध्यान देखेंगे वहाँ पे। फिर ब्लड टिश्यू था, है ना, इस तरह से थे। तो आज हम कर रहे हैं एनिमल टिश्यू का फर्स्ट पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू। आप फ्लो चार्ट ओपन करके बैठना, ये मिलेगा सबसे पहले आपको। तो क्या होता है, इट कनेक्ट्स और बाइंड्स द वेरियस ऑर्गेन्स। मतलब ये क्या करता है, कनेक्ट करता है और बाइंड करता है वेरियस ऑर्गेन्स को। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ देता है, बांधे रखता है वेरियस ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो वेरियस यानी कई प्रकार के जो ऑर्गेन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव नाम से ही इसकी से स्पष्ट है, क्लियर है। कनेक्टिव मीन्स जो कनेक्शन प्रोवाइड करे, यानी जो लिंकेज बनाए, जो जोड़ने का काम करे, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कनेक्टिव टिश्यू। तो फिर से, इट कनेक्ट्स और बाइंड्स द वेरियस ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है हार्डनेस, मतलब उन्हें दृढ़, उन्हें मजबूत बनाए रखता है। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द एनिमल्स। ये जो एनिमल्स होते हैं उन्हें रिजिडिटी प्रदान करता है, प्रोवाइड कराता है, उन्हें प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा और सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब है कि उन्हें सपोर्ट, जैसे कहते हैं सहायता, एक तरह से हेल्प। तो सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड कराता है, किसको, एनिमल्स को, बिकॉज इट इज़ द टिश्यू ऑफ एनिमल। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग टिश्यू। इसको पैकिंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। ओके बेटा, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कौन से होते हैं? पॉइंट नंबर वन, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बना होता है कनेक्टिव सेल्स से। कौन सी सेल्स होती हैं इसकी? देखो, नाम था कनेक्टिव टिश्यू, तो इसको बनाने वाली सेल होंगी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। कौन सी सेल्स होंगी? कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स, और फाइबर्स से बना होगा, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स से और फाइबर्स से मिलकर बना होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, इट हैज़ फ्यूअर नंबर ऑफ सेल्स। इसमें जो है नंबर सेल जो होती हैं, फ्यू मतलब कुछ ही होती हैं, ठीक है। स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स, स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैली पड़ी होती हैं, बिखरी पड़ी होती हैं मैट्रिक्स के अंदर। मतलब इसमें सेल कुछ होती हैं, थोड़ी होती हैं, फ्यू, फ्यू का मतलब थोड़ी होती हैं, फ्यू नंबर ऑफ सेल्स, कुछ ही नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, और बिखरी पड़ी होती हैं, मतलब जैसे बिखेर देते हैं ना चारों तरफ, फैली होती हैं, फैली हुई होती हैं इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स क्या होता है? एक फ्लूड होता है, है ना, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे गम होता है, चिपचिपा सा पदार्थ, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, सेल के अंदर होता है। ओके बेटा, थर्ड है, मैट्रिक्स इज़ द नॉन लिविंग। मैट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज़ ए नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग है, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक बोल दो, गम लाइक बोल दो, गम जैसे गोंद होता है किताबों को, बुक्स को चिपकाने के लिए, स्टिकी सब्सटेंस, इट इज़ ए जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद है नंबर फोर, लार्ज नंबर ऑफ वाइट एंड येलो फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। मतलब इसमें वाइट कलर के और येलो कलर के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। थोड़ी देर पहले आ रहा था ना, देखो ऊपर, देखो ऊपर, ऊपर यहाँ देखो यार, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स किससे मिलके बना होता है? फर्स्ट पॉइंट में देखा था हमने, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज सेल्स एंड फाइबर्स। फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स से मिलकर बना होता है। फोर्थ पॉइंट में वही बात आई है, इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ वाइट एंड येलो फाइबर्स। लार्ज नंबर ऑफ, ज़्यादा मतलब जो संख्या में वाइट कलर के और येलो कलर के फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स तो होंगे ही क्योंकि वो फाइबर्स से मिलके बना है। आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, और कहाँ प्रेजेंट होंगे वो लार्ज नंबर ऑफ येलो एंड वाइट फाइबर्स? मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में ही तो होंगे भाई, सेल का जो लिक्विड पार्ट है, फ्लूड पार्ट है, वो मैट्रिक्स होता है। अब आगे फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, इसके फंक्शंस क्या हैं? अभी करेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किया। फंक्शंस, पॉइंट नंबर वन, बाइंडिंग। अभी थोड़ी देर पहले आया था, देखो कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन में इट कनेक्ट्स और बाइंड्स आया था ना बाइंड वर्ड, तो क्या क्या है, यहीं आ गया बाइंड से, बाइंडिंग फर्स्ट हेडिंग बन गया बाइंडिंग। इट बाइंड्स मतलब बांधे रखता है, जोड़े रखता है अदर टिश्यूज़ टुगेदर, दूसरे टिश्यूज़ को भी एक साथ, इन द ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स के अंदर, अंगों में, पार्ट जो होते हैं ना,
तो ये इट बाइंड्स अदर टिश्यूज टुगेदर, ये दूसरे टिश्यूज को एक साथ बाइंड करके रखता है इन द ऑर्गेंस, ऑर्गेंस में। पॉइंट नंबर टू, सपोर्ट बोन्स एंड कार्टिलेज। बेटा जी मैंने तो बताया था बोन और कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, मैंने बोन का एक दिन डायग्राम बनाया था आपको, बताया था एक बोन फिर दूसरी बोन उन दूसरों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है ना, बनाया था ना फर्स्ट में, आप देखोगे आप फ्लो चार्ट में बना हुआ होगा, आपको मैंने कराया था लेक्चर दिया था उस दिन। तो यही है सपोर्ट, बोन्स एंड कार्टिलेज ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं। गिव्स सपोर्ट मसल्स, किसको सपोर्ट देते हैं, मसल्स को, क्योंकि कार्टिलेज भी मसल से जुड़ी हुई होती हैं है ना, बोन भी, तो मसल्स को सपोर्ट देते हैं, हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं मसल्स होती हैं उनको सपोर्ट देने का काम करते हैं। नंबर तीन, फैट, फैट्स रिमेन स्टोर्ड इनसाइड एडिपोज, जो फैट होती है वो एडिपोज के अंदर स्टोर हो जाती है। कौन से टिश्यू के अंदर, एडिपोज के। अब कहोगे सर ये एडिपोज कहाँ से आ गया भाई, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है, मतलब एक तो होता है ये तो मेन टिश्यू है और इसके जो इसके भी पार्ट होते हैं ना, अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट करूँ तो एडिपोज उनका एक पार्ट होगा, याद रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू के भी पार्ट हैं, मतलब ये सब पार्ट हो गया इसका एक तरह से है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू में ही के अंदर एडिपोज होते हैं। तो फैट रिमेन्स स्टोर्ड इनसाइड एडिपोज, जो एडिपोज के अंदर जो फैट है वो स्टोर हो जाती है एडिपोज टिश्यू के अंदर, विच इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज क्या है लिखा हुआ है देखो बाद में, विच इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप में ही आता है एडिपोज। उसके बाद नंबर फोर, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक स्थान से एक दूसरे स्थान पर ले जाना, तो ब्लड एंड लिम्फ आर फ्लूड कनेक्टिव टिश्यूज, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, फ्लूड ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, टिश्यूज फ्लूड कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अब टिश्यूज हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटेरियल इन द बॉडी, ये दोनों जो टिश्यू हैं ब्लड एंड लिम्फ ये बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, बॉडी के अंदर मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने का काम करते हैं। बेटा ब्लड क्या काम करता है, ब्लड एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमेशा ध्यान रखना, और ब्लड में जो है एक इसका जो लिक्विड पार्ट होता है फ्लूड पार्ट वो होता है हीमोग्लोबिन है ना, तो हीमोग्लोबिन में जो हम रेस्पिरेशन करते हैं ब्रीथिंग करते हैं सांस लेते हैं, तो हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाती है और बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बन जाता है तो ब्लड उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ले जा करके हमारे जो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो सेल्स होती हैं टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे ले जा करके उस ऑक्सीजन को पहुँचा देता है, ऑक्सीजन को हमारे एवरी टिश्यू को बॉडी के अंदर उसे भेजने का काम करता है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड कैसा टिश्यू हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। लिम्फ भी हमारा ट्रांसपोर्ट टिश्यू है। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ हम जो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, फूड खाना जो हम खाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को ये ले जाने का काम करता है, ठीक है। अच्छा लिम्फ बनता कैसे है, लिम्फ का मैं बताता हूँ, लिम्फ बनता ऐसे है कि कुछ हमारी जो ब्लड सेल्स कुछ हमारा जो थोड़ी सी ब्लड सेल्स, ठीक है, और प्रोटीन्स सेल्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में थोड़ा सा हमारा जो ब्लड सेल्स हैं थोड़ा सा प्रोटीन है वो जाकर के जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर के एक फ्लूड बनाता है, उस फ्लूड को हम लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। लिम्फ इज ऑल्सो नॉन एज टिश्यू फ्लूड, इसको हम टिश्यू फ्लूड बोलते हैं। ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, किसका, फूड मटेरियल्स का और वेस्ट मटेरियल का, वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है ना, और फूड एनर्जी को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये बताया ब्लड एंड लिम्फ आर द फ्लूड कनेक्टिव टिश्यूज, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटेरियल इन द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर वेरियस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, कौन कौन, ब्लड एंड लिम्फ। अच्छा आगे पैडिंग एंड पैकिंग, पैडिंग का मतलब होता है फिल करना, भरना, भराव, भरने का काम, जैसे होता है ना कोई खाली जगह है, खाली कटोरा है, बाउल है, उसमें हमने पानी भर दिया, मिल्क भर दिया, तो भरने का जो काम करें, पैडिंग का मतलब भरने का काम, भरना, एंड पैकिंग और पैक करना। तो कौन सा है, पैडिंग एंड पैकिंग का काम जो करता है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक्ट एज पैडिंग एंड पैकिंग, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ऐसे काम करता है, एक्ट करता है पैडिंग और पैकिंग की तरह, मटेरियल इन डिफरेंट ऑर्गेंस, जो ऑर्गेन होते हैं उन डिफरेंट ऑर्गेंस में ये मटेरियल को भरने का काम करता है, ठीक है, उनमें पैक करने का काम करता है। पहले किसी चीज़ को पैक करना होता है, खाना पैक करवा के लाते हो तो पहले खाना जब भी तो पैक होगा भाई, पहले खाना उसमें भरा जाएगा, हैं, खाली डब्बा है,
खाली हमने आपने वेजिटेबल ले ली, दाल ले ली, चाहे ढाबे पे गए खाना पैक करवा के लाओ, तो पहले दाल को डब्बे में भरा जाएगा, बाद में पैक होगी, हैं? तो एरियोलर का काम है, क्या काम है? भरना और पैक करना मटेरियल को डिफरेंट ऑर्गेन्स में, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं वो मस्कुलर ऑर्गेन है, कोई क्या है, उनमें जो भी चीज़ होगी वो खाली थोड़ी है ऑर्गेन, है ना, किडनी है, किडनी में बहुत सारी चीज़ें, नेफ्रॉन है ना, और भी चीज़ें होती हैं, तो उनको जो भरने का काम करता है वो कौन करता है? वो करता है ये टिश्यू, कौन से वाला? कनेक्टिव टिश्यू, पैडिंग एंड पैकिंग का काम, एरियोलर टिश्यू का पार्ट, एरियोलर है, एरियोलर किस कौन से टिश्यू का पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम है पैडिंग एंड पैकिंग। अगला है सिक्स है रिपेयर, रिपेयर है कोलेजन फाइबर्स, ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं, तो कोलेजन बोलेंगे इसको, कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ये कनेक्टिव टिश्यूज के कोलेजन फाइबर्स होते हैं, हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ इंजर्ड टिश्यू, ये जो इंजर्ड का मतलब होता है घायल हुए, जो घायल हो जाते हैं ना, जख्मी, है ना, घायल हो गए, चोट लग गई भाई, घायल हो गए, तो ये काम करते हैं घायल हुए टिश्यूज को, ऑफ वाउंड्स, वाउंड्स का मतलब होता है घाव, वाउंड्स मतलब घाव, जख्म, तो ये घायल होने वाले इंजर्ड जो टिश्यू होते हैं घावों के, वाउंड्स मीन्स घाव, घावों के जो इंजर्ड टिश्यू हैं, घायल हुए टिश्यूज हैं, उनको रिपेयर करने का काम करता है कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर का काम है उनको रिपेयर करना, तो ये हो गए। उसके बाद है बेटा जी कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की मैं बात करता हूँ, तो कनेक्टिव टिश्यू अब देखो आ गया ना, कनेक्टिव टिश्यू कहीं तुम पढ़ रहे हैं, अब टाइप आ गया कनेक्टिव टिश्यू के, इधर हमने क्या क्या पढ़ लिए, हमने कनेक्टिव टिश्यू की फंक्शंस पढ़ लिए, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, है ना, अब कनेक्टिव टिश्यूज़ के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, आप फ्लो चार्ट लेके बैठोगे ना तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के पार्ट मिलेंगे, मैंने करवा रखे हैं आपको, मैंने एक साथ लिखवाए थे, वहाँ कौन कौन से लिखवाए थे याद करो, ऐसे एरो वहाँ पर फ्लो चार्ट को देखना, मैंने लिखवाया था एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, ठीक है, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ, ये एक ही साइड में लिखवाए थे मैंने। अब मैंने क्या किया है, कनेक्टिव टिश्यू को के जो पार्ट हैं, कितने पार्ट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ये दे रखे हैं, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक होता है स्केलेटल टिश्यू, एक होता है वस्कुलर और फ्लूइड टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट वहाँ चार्ट में तो मैंने एक जगह लिख रखे हैं सीधे 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 सारे, पहले एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, ये सारे एक ही जगह लिख रखे हैं, अब मैंने इनको अलग अलग लिख दिया है, मतलब कैसे अलग अलग लिखा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है जो, उन्हें बोलते हैं एरियोलर टिश्यू, जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू, तीसरा होता है टेंडन, टेंडन बोल देते हैं, फोर्थ होता है आपका लिगामेंट, ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, है ना, और ये है स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल का मतलब जो ढांचा बनाते हैं किसी का, जो है ना, जैसे स्केलेटल होता है, स्केलेटन होता है ना, स्केलेटन किसको बोलते हैं, कंकाल वगैरह जैसा होता है, मतलब जिसको हार्ड वाला सरफेस बनाते हैं बोन वगैरह का, तो उसे हम स्केलेटल टिश्यू बोलते हैं, स्केलेटल बनाने का काम करते हैं स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब कंकाल, कंकाल समझते हो ना, हड्डियों का एक अगर शेप बना देते हैं, मान लो कोई दबा हुआ निकलता है, हड़प्पा संस्कृति काल में आपने पढ़ा होगा, मोहनजोदड़ो, है ना, SST पढ़ते हैं तो वहाँ पे निकलते हैं भाई, पुराने टाइम के निकले वो बर्तन, निकले कोई हड्डियों के कुछ ढांचे निकल गए, डायनासोर का कंकाल देखा हमने म्यूजियम में गए, तो उनको बोलते हैं स्केलेटन, तो स्केलेटन से बन के आया स्केलेटल टिश्यू, कहने का मतलब है स्केलेटन में हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, तो इसके नाम से ही ये क्लियर हो जाएगा ये बोन से रिलेटेड है, ठीक है, इसके पार्ट होते हैं कार्टिलेज और बोन, है ना, कार्टिलेज हमारी जो ईयर में होती है, एक हड्डी होती है लेकिन वो बोन नहीं होती, हड्डी जैसी दिखती है, कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कान को दबाओगे किधर भी मोड़ दो भाई, नाक होती है हमारी, नोज होती है, उसमें भी नीचे सफ़ेद सी देखा होगा नोस्ट्रिल्स में, अंदर एक हड्डी होती है ना नाक में, है, अब वो अगर उसको वाइट वाइट सी होती है इधर उधर मोड़ा जा सकता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कार्टिलेज होती है, और इसके अलावा मैं कार्टिलेज कहाँ होती है, जो हमारी जो ईसोफेगस होती है, जो सांस की नली होती है ना, उसमें जो रिंग्स होते हैं, आप देखो हाथ लगा के देखना अपने गले को, छोटे छोटे आपको सर्कल नुमा रिंग्स दिखाई देंगे, वो रिंग्स आपके कार्टिलेज के बने होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कार्टिलेज के नहीं बने होते वो आप कहोगे नहीं सर वो तो बोन के बने होंगे, अरे भाई एक बात बताओ कार्टिलेज में क्या होता है, कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक होती है, यानी जो हम खाना खाते हैं ना तो वो कार्टिलेज की जो रिंग है हमारे जो सांस की नली में वो थोड़े से फैल जाते हैं, जिससे ज़्यादा खाना भी हमारे अंदर आसानी से चला जाता है, वो गले में फंसता नहीं है, लेकिन अगर वो बोन के होते तो वो बोन तो अपनी जगह पे फिक्स होती है, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें लचक नहीं होती, तो अगर खाना ज़्यादा चला जाता और वो हमारे जो रिंग है गले में जिनको मैं कार्टिलेज रिंग बोल रहा हूँ, अगर वो हड्डी के बने होते, बोन के बने होते, तो खाना अगर ज़्यादा हम लेते मुँह में चला जाता नली में तो वो अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसमें तो बोन में तो फैलने की जो है स्प्रेड होने की टेंडेंसी होती ही नहीं है, ठीक है,
उनमें लचक नहीं होती है। तो ध्यान रखना कार्टिलेज स्केलेटन टिश्यू और दूसरा बोन हड्डियों से जो रिलेटेड है ये कैटेगरी में आते हैं स्केलेटन टिश्यू के में। थर्ड है उसका वस्कुलर और फ्लूइड टिश्यू। वस्कुलर बंडल्स बनाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ा होगा। वस्कुलर का मतलब जो कि एक तरह का फ्लूइड टिश्यू है, तो फ्लूइड टिश्यू में लिक्विड रूप में होगा, फ्लूइड मतलब वो लिक्विड की फॉर्म में होगा। तो कौन कौन सा है, एक तो ब्लड है और दूसरा लिम्फ है। इस कैटेगरी में ब्लड और लिम्फ आते हैं, है ना। मैंने चार्ट में वहाँ जिन सबको एक ही लाइन में कर रखा था, यहाँ मैंने आपको अलग अलग बता दिया कि ये इस कैटेगरी में आएंगे। कनेक्टिव प्रॉपर हो जाएगा ये टिश्यू, ये वाला स्केलेटन में आ जाएगा और ये वाला वस्कुलर में आ जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू के क्या हैं ये, दीज आर द पार्ट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। बेटा जी आज के लिए यही है, ये आपको फेयर नोटबुक में करना भी है और आपको लर्न भी करना है। इसका मैं जो है इमेज बना के डायग्राम की जो मैंने कराया है, मैं फोटो भी इसका भेज दूंगा आपको आपके उस पर व्हाट्सएप पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।